डॉक्टर अरुण कुमार। अपराध, राजनीति और पुलिस। हमारे देश में अपराध तंत्र कैसे फलता फूलता है, इस विषय पर आज मेरा चर्चा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हाल ही में हुई 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के अभियुक्त विकास दुबे की शुक्रवार तड़के एक पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। उससे एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे उज्जैन में गिरफ्तार किया था और उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सौंप दिया था। विकास दुबे प्रकरण पर बात करने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे देश में अपराध तंत्र कैसे फलता फूलता है। वर्ष 1993 में पीवी नरसिंहा राव सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने नरेंद्र नाथ बोहरा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी, जिसे बोहरा कमेटी कहा जाता है। उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि भारत में संगठित आपराधिक गिरोह किस तरह से फल फूल रहा है और उसे कहां से संरक्षण मिल रहा है, इसकी जांच करके रिपोर्ट एवं सुझाव दें। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, प्रवर्तन निदेशालय यानी सभी संबद्ध विभागों से रिपोर्ट मंगवाई थी और उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर वह अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि देश के बहुत से हिस्सों में माफियाओं के संगठित गिरोह अपने समानांतर सरकार चला रहे हैं और वर्तमान में जो राज्य की व्यवस्था है वह अप्रासंगिक होती जा रही है। बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि देश के कुछ प्रदेशों में इन गिरोहों को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के नेताओं और सरकारी अधिकारियों का संरक्षण हासिल है। यह रिपोर्ट जब संसद में पेश की गई तो काफी हो हल्ला मचा था। फिर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया और उसे ठंडे बस्ते में डाल देने के कारण इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश होती भी तो कैसे होती, क्योंकि यह देखा गया कि संसद और विधानसभाओं में आपराधिक छवि वाले सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें तो यहां 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस चुनाव के नतीजों पर जब एनडीआर ने विश्लेषण किया तो उसने पाया कि 143 विधायक यानी 36% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। कुल 26% यानी 107 विधायक ऐसे थे जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध के मामले थे। इस समय प्रदेश की विधानसभा में 42 ऐसे विधायक हैं जिनके विरुद्ध हत्या या हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध के मामले दर्ज है। तो सवाल यह है कि इतनी भारी मात्रा में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग पहुंच जाएंगे तो फिर संगठित आपराधिक गिरोह पर अंकुश कैसे लगेगा। ये लोग जनपद स्तर पर अपने गुर्गों को संरक्षण देते हैं, पुलिस पर दबाव बनाते हैं और हमारे लिए गलत काम कर दो वगैरह वगैरह। ऐसे में पुलिस दरोगा या एसपी के लिए भी यह मुश्किल हो जाता है कि सांसद या विधायक की मर्जी के खिलाफ काम करें। कहने का तात्पर्य यह है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के जनप्रतिनिधि बनने से आपराधिक गठजोड़ सशक्त होता जा रहा है। विकास दुबे मामले को ही लें तो मीडिया में इस तरह की खबरें लगातार छप रही है कि उसके संबंध सपा, बसपा और अन्य पार्टियों के भी कुछ लोगों से थी, यानी उसे पूरा राजनीतिक संरक्षण हासिल था। यही नहीं, पुलिस का भी उसे संरक्षण प्राप्त था। इसी कारण उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि उसने दबिश देने गई पुलिसकर्मियों को ढेर कर दिया। पुलिसकर्मियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने भी लाजिमी है, क्योंकि दबिश देने गए पुलिस के टीम पर्याप्त तैयारी के साथ नहीं पहुंची थी। पुलिस का खुफिया नेटवर्क भी कमजोर था। विकास दुबे को पहले से पता था कि 3 थानों की पुलिस दबिश देने आ रही है, लेकिन पुलिस को यह पता नहीं था कि विकास दुबे पुलिस पर आक्रमण करने के लिए घात लगाकर बैठा है। जाहिर है शुरू में पुलिस ने ढिलाई दिखाई, लेकिन पुलिस को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने 6 दिन के भीतर इस दुर्दांत अपराधी को पकड़ लिया। उसके घर को ढहाकर पुलिस ने एक सख्त संदेश दिया था कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले बच नहीं पाएंगे, लेकिन मुठभेड़ में उसके मारे जाने की घटना से निराशा हुई है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ जब उसे हिरासत में ला रही थी तो उसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था में ऐसे मार्ग से बांध कर लाया जाना चाहिए था कि उसके भागने और फिर उसके एनकाउंटर करने की नौबत ही नहीं आती। अगर उसका एनकाउंटर नहीं हुआ होता तो उससे पूछताछ होती और उसके पूरे नेटवर्क का पता चलता,
जो अधिकारी, राजनेता, पुलिसकर्मी, व्यापारी उन्हें संरक्षण दे रहे थे, उन सब का नाम सामने आता, फिर उसके विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई होती। यह सब खत्म हो गया और उसे संरक्षण देने वाले लोग बच जाएंगे। यह इनकाउंटर सही है या गलत, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसके बारे में तो कोई जांच होगी तभी पता चलेगा। पुलिस सुधार से आशा है कि पुलिस पर जो भी बाहरी दबाव होते हैं वह नहीं होने चाहिए। यह जो गठजोड़ मजबूत हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि पुलिस पर गलत काम करने, गलत तत्वों का समर्थन देने, भ्रष्ट, बेईमान और हत्या के आरोपी जनप्रतिनिधियों को सलाम करने की बाध्यता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि पुलिस को बाहरी दबाव से संरक्षण मिलना चाहिए। अगर यह संरक्षण उसे मिलेगा तो काफी सुधार हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ना तो केंद्र सरकार और ही ना ही राज्य सरकार इस दिशा में प्रतिबद्धता दिखा रही है। इसके अलावा पुलिस में कार्मिक सुधार की भी जरूरत है। जो पुलिसकर्मी अपराध की दुनिया से जुड़े हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको भी पुलिस विभाग से निकाल दिया जाना चाहिए, चाहे वह SSP हो या IG हो। दरोगा और सिपाही पर तो कार्रवाई हो जाती है पर SSP पर कार्रवाई नहीं होती। राजनीतिक वर्ग और पुलिस तंत्र दोनों में गलत तत्वों की सफाई की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक यह गठजोड़ बना रहेगा। कानून व्यवस्था पर से लोगों का जो भरोसा उठता जा रहा है उसे बहाल करने के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था से भी सुधार की जरूरत है। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। टी बैग के ये जबरदस्त इस्तेमाल आपको चौंका सकते हैं। चाय बनाने के बाद इसे ना फेंके, चाय तो आप पीते ही होंगे, इसके बिना बहुत सारे लोगों की सुबह ही नहीं होती। कुछ लोगों को दिन भर में कई बार चाय पीने की आदत होती है। हालांकि ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत सारे घरों में या फिर खासकर ऑफिस में चाय के लिए टी बैग इस्तेमाल होता है। गर्म पानी या दूध मिले गर्म पानी में शुगर यानी चीनी मिलाई और टी बैग डालकर हिला लिया, बस हो गई चाय तैयार। एक बार प्रयोग के बाद टी बैग बेकार हो जाता है और उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्तेमाल किए गए टी बैग भी बहुत काम के होते हैं? आज हम आपको बता रहे हैं इन बेकार टी बैग्स का इस्तेमाल किन कामों में किया जाता है। गंदे बर्तनों को साफ करने में। गंदे बर्तनों को साफ करना मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन इन टी बैग्स की मदद से ये काम आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको करना बस ये है कि गंदे बर्तनों में गर्म पानी डाले, उनमें इस्तेमाल किए गए टी बैग्स को डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह उठकर बर्तन साफ करें, बुरे से बुरे दाग साफ हो जाएंगे। फ्रिज से बदबू दूर करने में। कई बार हमारे घर में रेफ्रिजरेटर से बदबू आने लगती है। अगर फ्रिज बहुत देर तक बंद रखा जाए या फिर उसमें काफी दिनों से कोई खाद्य पदार्थ रखा हो तो उसमें महक आने लगती है। ऐसे में इन इस्तेमाल किए गए टी बैग्स को रेफ्रिजरेटर के किसी कोने में रख दे, बदबू चली जाएगी। मुंह में छालों की समस्या में आराम। कई बार वायरल संक्रमण से कुछ उल्टा सीधा खाने से या अन्य कारण से मुंह में छालों की समस्या हो जाती है। ऐसे में इस्तेमाल किए गए टी बैग को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दे। इसके बाद इस छालों वाली जगह पर रखें। ऐसा करने से मुंह के छालों से निजात मिलती है। एयर फ्रेशनर के रूप में टी बैग्स को एयर फ्रेशनर की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। इस्तेमाल की गए टी बैग को धूप में सुखाएं और फिर इसमें कोई भी अपनी पसंदीदा महकने वाले तेल की कुछ बूंदे डाल दें। अब इसे कहीं कमरे में, हॉल में या बाथरूम में जहां चाहे टांग दे, इससे खुशबू आती रहेगी। इस तरह आप इस्तेमाल किए गए टी बैग्स का भी कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं।
तो अगली बार जब आप टी बैग वाली चाय पिए तो चाय जूठी करने से पहले टी बैग को अच्छी तरह हिलाकर निकाल लें और बताए गए तरीकों से इस्तेमाल करें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।